हेलो भाई लोग, आज देख सकते हैं हमारे पास है टेक्नो का कैमोन 30 मॉडल, जिसमें कैसे आप लोग जो है डीपीआई को बढ़ा सकते हैं, वही मैं आज लोगों को इस वीडियो पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो डीपीआई को बढ़ाने के लिए आप लोगों को पहले आप लोगों के फोन की जो है सेटिंग है, सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप लोगों को जो है माई फोन जो लिखा हुआ है, इसके अंदर जाने के बाद आप लोगों को जो है जाना है वर्शन इन्फो के अंदर। वर्शन इन्फो के अंदर आने के बाद बिल नंबर जो है इसको 3-4 बार कंटिन्यूस टैप कीजिए, तो आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा, यू आर नाउ ए डेवलपर लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये डेवलपर ऑप्शन आप लोगों को फोन के सेटिंग से बैक जाना है। जाने के बाद आप लोगों को जो है सिस्टम के अंदर जाना है। सिस्टम के अंदर जाने के बाद इधर नीचे एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन स्कोर, इसके अंदर आप लोगों को चले जाना है। जाने के बाद इधर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करते जाना है, तो यहाँ पे आप लोगों का ड्राइंग वाला सेक्शन मिलेगा। तो बेसिकली यही आप लोगों का जो है डीपीआई का सेक्शन है। इस फोन का डिफॉल्ट डीपीआई है 360। ठीक है, आप लोगों का अगर डिफॉल्ट डीपीआई हट गया तो 360 आप लोग फिर से इस फोन के अंदर लगा के ओके प्रेस कर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का अंदर डिफॉल्ट डीपीआई आ जाएगा। और जो लोग डीपीआई के मतलब ज्यादा यूज करते हैं, तो इस फोन के लिए रिकमेंडेड रहेगा मेरे तरफ से कि 800 से ज्यादा तक इस फोन के अंदर आप लोग डीपीआई को ना बढ़ाए। ठीक है, तो इधर से ही आके आप लोग जो है डीपीआई को बढ़ा या घटा सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।